ठीक है। तो जैसे कि आप लोग कहीं भी जाते हो, मैंने बताया कि पेन का इस्तेमाल कर सकते हो, ये हेयर पेन का इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत चीज़ें ऐसी हैं, अभी बताऊंगा मैं कि किस किस चीज़ों का प्रयोग आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों के पास बहुत ऐसे चीज़ होते हैं जो हथियार का काम कर सकते हैं, जिनको आप हथियार के रूप में लेके काम कर सकते हो और अपनी बचाव अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अभी पहले मैं ग्रीटिंग से शुरू करूँगा, अगर कोई आपको चलते हाथ पकड़ता है, ठीक है, या फिर दोनों हाथ पकड़ता है, ऐसे ही कोई बता रहा, तो अगर हाथ कोई पकड़ता है तो आप क्या करोगे, ठीक है, क्या करोगे, ठीक है, हाथ पकड़े, अगर हाथ को ऐसे पकड़ता है, ठीक है, एक हाथ, ठीक है, ऐसे एक हाथ से अगर एक हाथ पकड़ता है, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि ये पकड़ का किधर से लॉक हुआ है, यानी लॉक इधर से क्या है, इधर लॉक ये हुआ है ना, इधर लॉक हुआ है, आपको ध्यान देना, हाँ इधर से लॉक हुआ है, तो खुलेगा किधर से, जब बाहर से कोई ताला बंद कर दे तो किधर से खुलेगा, तो वैसे इसे इधर से लॉक हुआ है तो इधर से ही खुलेगा। आपको करना क्या है, बस मुट्ठी बंद करनी है, थोड़ा सा ताकत लगाने के लिए हाथ में, और उसके बाद आपको टर्न करना है, इसको खींचते हुए हाथ को, ठीक है, अगर ऐसे खींचते करेंगे तो खुल जाएगा, उसके बाद कितना भी टाइट पकड़ा पड़े, ठीक है, एक बार चेक कर लेना आपको जाके, बंद बंद किए और तेजी से खींचे, और यहाँ से रिवर्स आप फिर भी कर सकते हो अगर चाहो तो, ठीक, अगर ये पहला हुआ सकते लॉक इधर है, इधर है, हमने इधर टर्न किया और खोल दिया, अगर वही लॉक इधर हो तो क्या करेंगे, इधर करेंगे ना, लेकिन अगर इधर कर रहे हैं तो इधर झटका देना जल्दी जाएंगे, ये भी आ जाएंगे इधर, उसके लिए क्या करेंगे, हाथ को थोड़ा सा घुमा के ऐसे करना है और इस पर तेजी से मारना है, जैसे कि टर्न किए और तेज मारे हाथ पे ही, समझ में आया, कंट्रोल कर रहा हूँ, टर्न किए यहाँ से इस पर पुश कर रहे हैं तेज, हाँ समझ में, ये हो गया दूसरा, यहाँ से टर्न किया और तेजी से मारे, यहाँ मारने के बाद ऐसे ऐसे जैसे चाव आप मार सकते हो, ठीक है। और अगर दोनों हाथ से कोई एक ही हाथ से पकड़ लेता है क्या करोगे, बताओ तो भी बताओ, दोनों हाथ से अगर पकड़ लिया तो क्या करोगे, सुरक्षा की बात हो रही है, दांत से काटना भी तुम्हारा है घर से, लेकिन अगर हाथ से ग्रिप हो, सुराना हो, ठीक है, मान लो काट लिया, ठीक है, अगर तुम काट लिया और बात कर लिया, ठीक है, तो अगर ऐसे कोई पकड़ लेता दोनों हाथ से, सिंपल क्या करना, उसका कुछ छूना नहीं, बस अपने हाथ को ऊपर से, अगर मान लिया हाथ में रहा ऊपर से दूसरे हाथ को अपने हाथ से पकड़ लेंगे, पकड़ने के बाद इसको ऊपर की तरफ छटके से खींचेंगे पूरे स्पीड से, ये पूरे पावर से, अगर ये पकड़ेंगे आई पावर से, आप दोनों हाथ का पावर यूज करके ऊपर तेजी से खींचेंगे, निकल जाएगा, यहाँ से करने के बाद आप हिट कर सकते हो, जैसे चाहो हिट कर सकते हो, अगर दोनों हाथ पकड़ लिया दोनों हाथ से तो क्या करोगे, पैर से आप अगर सैंडल मजबूत है तो यहाँ मार सकते हो, घुटने में मार सकते हो, ठीक है, या फिर हिट कर सकते हो अगर ये सब हो गया, अगर आप नहीं मार सकते हो, टाइट कपड़ा कुछ पहने हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, हाथ ऐसे हो, अंदर से हाथ को मोड़ना है, अंदर से ऐसे किए, फिर यहीं से तेज, अब इसको भी स्लो नहीं करना, यहाँ से स्लो मैं किया दिखाने, यहाँ से स्लो करके ये बाहर करना है, इसको फुल स्पीड से करना है, ये तेज, और ये जो खुला ऐसे मार सकते हैं, ठीक है, ऐसे मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जब खुल जाओ कुछ भी कर सकते हो, फिर से मार देखो, यहाँ से तेजी से टर्न करना है, हो जाएगा। अब आते हैं, अगर कोई आपको परेशान कर रहा है, बदतमीजी कर रहा, कुछ भी कर रहा है, और आपके पास कुछ हथियार, जैसे कि पेन, सबसे बड़ा हथियार क्या होता है, सबसे बड़ा हथियार है पेन, जानते ही हो आपको, अगर आपके पास पेन है, अगर आपके पास पेन है, ठीक है, आप सोचोगे पेन का इस्तेमाल कैसे करेंगे, कैसे कर सकते हो, अगर कोई आपके पास आता है क्या करोगे, पिन कर सकते हो, लेकिन पिन कैसे करना, अगर आप ऐसे पिन किए क्या होगा, ऐसे पिन किए तो टूट सकता है, या फिर अगर मजबूत है तो टूट सकता है, ये प्लास्टिक है, यहाँ तो करेंगे तो पक्का टूटेगा, थोड़ा भी तिरछा होगा तो, लेकिन अगर चुभता भी है नहीं टूटता है तो क्या होगा, वही दर्द होगा,
जहाँ लगेगा वहीं से दर्द होगा। अगर आप चाहते हो कि वहां से ज्यादा भी दर्द हो, बहुत दर्द हो कि वो सही ना सके, ठीक है, क्या क्या करना है आपको, पेन पहले वाली उंगली से पकड़ लेना हाथ में और अपनी एक उंगली को इंडेक्स फिंगर को, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं इंडेक्स, हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको इस पे पेन पे रख देना है, ठीक है, और इसका जो ये नुकीला भाग है इसको थोड़ा सा बाहर रखना है। इसके बाद आपको इसी भाग से हाथ लिए, अगर आपसे परेशान करने तो सीधे फेस पे मार सकते हैं, स्क्रैच गले पे चाकू से तेज काटेगा, बस मजबूती से पकड़ो और तेजी से मारो, ठीक है, कल ट्राई करना खुद से, बहुत तेज, बहुत तेज लगता है, ठीक है, ये होगा पहला हथियार, ठीक है। आप लोग चूड़ियां पहनती हो, अगर कोई परेशान तो पेन नहीं है आपके पास, ठीक है, पेन नहीं है, आप क्या करोगे, धीरे से पीछे हाथ करके फिर आगे हाथ करके एक चूड़ी धीरे से तोड़ोगे, तोड़ सकते हो, चूड़ी तोड़ने के बाद क्या होता है, चूड़ी पे किनारे किनारे नुकीला भाग बनता है, बनता है, चूड़ी लिए वही काम चूड़ी से कर सकते हैं, ठीक है, क्या होगा, अगर चुभता है तो वहीं दर्द होता है, लेकिन जब फटता है, स्क्रैच होता है, जलन के साथ दर्द होता है, तो आसानी होता है, पता है। अब अगर आप बॉटल है किसी का, बॉटल बॉटल तो होता है नॉर्मली सबके पास, ठीक है, तो अगर बॉटल है आपके पास, बैग में रख के पीछे जाकर घूमते हो, चलते हो, मतलब आते जाते हो, पड़ जाते हो ना, तो अगर बॉटल है आपके पास, पानी भरा हुआ है या फिर ना भरा हुआ, ठीक है, आपके पास बॉटल है, आप बॉटल का प्रयोग कैसे करोगे, मान लो बैग में नॉर्मली बॉटल नहीं होता है, चाहे साइड चाहे साइड, अगर आपको कोई पसंद करना था बॉटल जो निकाले हाथ में ऐसे ले लिए, ठीक है, आप सोच रहे हो अगर इससे हिट करना है, मारना है, इससे आपको नहीं मारना, क्योंकि अगर यहाँ पे आप हिट किए, ये होता है बहुत कमजोर, पता है, ये खिंच सकता है, लेकिन पीछे वाला भाग यहाँ से लेके कम से कम यहाँ तक पूरा मजबूत होता है, इसलिए आपको ऐसे पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। और अगर देख रहे हो आप यहाँ वो परेशान करने आपको आ रहा है, कुछ भी तकलीफ करने आ रहा है, ठीक है, आप ऐसे पकड़ोगे, ठीक है, जो अगर ऐसे किए दोनों हाथ से सीधे पूरे ताकत से कहाँ मारेंगे, यहाँ पूरे पावर से एकदम यहाँ भी मार सकते हैं और पेट और चेस्ट के बीच में मार सकते हैं, वहां मारने से बहुत दर्द होता है, यहाँ पे पता है, कभी ऐसे फिट कर देगा, और वहां भी फिट कर सकते हो और यहाँ भी कर सकते हो, ये हो गया बॉटल, यदि वो पीछे से पकड़े तो, हाँ बता रहे, वही बताएंगे, अगर ऐसे पकड़े तो, अगर ऐसे नहीं पकड़ता तो आप पहले तो देखो आपका हाथ लॉक है, लॉक है, पहला काम अगर ये कर सकते हो कि अगर वो क्या होता है, अगर वो सहने लायक है तब तो ये काम नहीं करो, जो मैं बता दिया रहा हूँ, अगर वो सहनशील है तो नहीं करो, अगर नहीं सहनशील है एक काम ही कर सकते हो, ये नुकीले भाग से मतलब इससे आप फिट कर सकते हो, लगातार हिट करोगे, ठीक, अगर वो छोड़ देगा बढ़िया, अगर नहीं छोड़ता है ठीक, मजबूत से पकड़ा, ठीक, गैर तो पैर में होगा, यहाँ ध्यान देगा ना वो, तो थोड़ा सा आगे खींचेंगे, हल्का सा पीछे, हाथ से कुछ नहीं करेंगे, बस पैर को किनारे करेंगे, एक पैर, चाहे राइट लेग हो चाहे लेफ्ट लेग हो, ठीक है, मैं यहाँ देखने के लिए राइट लेग करता हूँ, ठीक, ऐसे पीछे कर लीजिए, अब क्या होता है, हाथ आपका खुला है, कुछ भी कर सकते हो, हाथ से कर सकते हो, इसको क्या करना, यहाँ हिट करना है झुकते हुए, अपने झुकेंगे और हिट करेंगे ऐसे, कितना कर सकते हैं, याद आ रहा, याद मतलब छोड़ रहा है ना, यहाँ से पकड़ा आगे पीछे हुए, राइट लेग रख के या फिर लेफ्ट लेग रख के, जो आपको सीट को लगता है, ठीक, यहाँ से हिट करने के साथ पकड़े पैर को, यहाँ दोनों हाथ से, और अगर आप ताकतवर हो, उठाने के सक्षम हो उठा लो, अगर नहीं उठाने के सक्षम हो तो यहाँ से आगे के साथ इनके पैर को उठा के झटका देंगे ऐसे, ठीक है, ये गिरेंगे और आपका एल्बो ऐसे मजबूती से पेट पे ही मारते चलेंगे, डायरेक्ट वो जमीन पे जाएंगे और आपका एल्बो उनके पेट पे ही जाएगा, और अगर उठा लेते हो आप उसके बाद अगर लेग डायरेक्ट गिरते हो या फिर रख देते हो जमीन पे, लेकिन उठाने के बाद घुटने पे मार देते हो उनके शरीर को, तो बहुत दर्द होगा, गिर सकते हैं, देखना है क्या, दो लड़कियां आ जाओ, तुम ही दोनों आ जाओ, कोई चलो ला गए एसीसी वाली, चलो दो आ दो दो, जिसने जिसने पूछा पीछे से पकड़ा तो, हाँ चलो दो सही आ जाओ, मनीषा से रशिया तुम भी आ जाओ, बताना, बढ़िया से करना उसको मैं कर दे रहा हूँ।
हंसने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखो कंसंट्रेट करो कैसे करना है। ये बहुत गंभीर बात है आपके जीवन की सुरक्षा। हाथ को टाइट रखें, आप पीछे पूरा हिट करो, हिट करो, आसान है। अगर आपको कुछ पकड़ता नहीं है, अगर हाथ ऐसे रखता है, ठीक है, ऐसे क्यों रखता है, एक हाथ हो चाहे दो हाथ हो, ठीक है, तो क्या करोगे? ठीक है, दोनों हाथ में रखना, ठीक है। अगर आपको चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से, जो आपकी मर्जी, जो आप हाथ मजबूत हो उस हाथ यूज करेंगे। मान लो मेरा हाथ मजबूत है, ठीक है, मैं राइट यूज करता हूँ, ऐसे टर्न करते हुए बॉडी को ऐसे टर्न करेंगे, हर हाथ को ऐसे ग्रिप करेंगे, अभी क्यों हाथ कट आ गया ना, अभी किक भी होता है, ठीक है। अगर आपको किक भी आते हैं तो अगर आप हाथ कर रहे हो, अगर पीछे से जाता है यहाँ से किक मार सकते हो, उसके लिए आप शांत रहिए, ठीक है। तो वो ट्रेनिंग लेने के लिए तो बताइए, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो बिना मेहनत के बता रहा हूँ कि मतलब कैसे केवल मेंटल पावर से आप अपना रक्षा कर सकते हो, ठीक है। एक चीज और, आप लोग का बाल तो बड़ा होता है, अगर कोई बाल करे तो अगर अगर यहाँ पे कोई ऐसा पकड़ता है, मान लीजिए लेफ्ट पकड़े, जब से अगर राइट पकड़े हैं, मुझे पता है राइट, अगर मुझे नहीं पता है तो क्या करना है, आप जो पकड़े आप पकड़ने को उनका पूरे ताकत से छोड़ा ना पाए, खींच ना पाए, उसके बाद क्या करना चाहता है, टर्न करना। अच्छा, टर्न करके देख सकते हो होता था, जब ये पता चलेगा ये हाथ है यानी राइट है, अब क्या करना है आपको, अपना ये एल्बो, ठीक है, जो हाथ राइट है तो राइट एल्बो को थोड़ा मजबूती से करके यहाँ पे उनके एल्बो पे इससे और इसके सहायता से तेजी से अटैक करना, माना तेज, हाथ नहीं छोड़ना, पूरे पावर से मारना है, टर्न होते हुए क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। अगर यहाँ पूरे पावर से अगर आप पकड़े हो और पूरे फोर्स से टर्न करके यहाँ हिट करते हो, उनका 100% यहाँ से हाथ ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। फिर हिम्मत करेगा कोई पकड़ने का, अगर आपको सामने से पकड़ लेता है तो ऐसे एक हाथ से चाहे दोनों हाथ से क्या करोगे, ऐसे पकड़ा, आपका हाथ तो खाली है, ठीक, यहाँ से आप सीधे अटैक कर सकते हो, ऐसे पंच बन के यहाँ पे,
या फिर आंख बंद किए ताकत से अंगूठे से आंख को दबाव डाले जब तेज आंख दबाओ अपना अपना हाथ से दबा दो अंगूठे से सभी लोग अगर आप यहाँ बाल पकड़ा आंख पकड़े उनका आंख दबाए और हिट किए क्या होगा आंख भी दब रहा है यहाँ पे हिट भी हुआ क्या होगा नहीं अगर ऐसे है कि ऐसे हो तो यहाँ आप ऐसे कर सकते हो हाथ जोड़ने वाला ऐसे करके नाक पे अटैक कर सकते हो हाथ यहाँ पे ये अटैक कर सकते हो कर सकते हो कान पकड़ के खींच सकते हो यहाँ ऐसे अगर आप कान मजबूत है तो नेक पे अटैक कर सकते हो यहाँ अटैक कर सकते हो कर सकते हो इसमें से कोई भी हालत है कर सकते हो कॉमन सेंस की बात सर ने कहा 20% ताकत 80% कोई भी आप हमको खींचा क्या कि अगर कोई भी आपको बैलेंस आपको डिसबैलेंस करता है तो उस समय आपको याद होना चाहिए एक पैर आपका आगे और एक पैर पीछे अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ कोई खींचा गिर जाऊंगा अगर ऐसे हूँ तो इतना भी खींचा कोई नहीं गिरूंगा जब भी आपको कोई लगे धक्का देने वाला है या फिर खींचने वाला है तो पैर अगर पीछे तक करने वाला है तो हिल उठा लो मतलब पीछे खींच रहा था मैं हिल उठा लिया मतलब अचानक मुझे पता नहीं रहेगा चल रहा हूँ खींचे ऐसे तुरंत कर लेंगे हिल नीचे रख के तुरंत उठ जाएंगे फिर उसके बाद ये यहाँ से ऐसे कर सकते हैं निकल जाएगा बैग अगर नहीं निकलता है तो खींचे मैं रुका खींचे नहीं निकला तो क्या करना है टर्न करने के बाद हिट करना है कर सकते हो इतना कर सकते हो अगर निकल जाता खींचे मैं रुका निकाल दो निकल गया तो बैग उनके हाथ में मैं नहीं रखता जब तक बैग रखेंगे तब तक मैं मार सकते हैं कर सकते हैं अगर आपको किक आते हैं किक बैग खींचे मुझे किक आते मैं किक जानता हूँ तो खींचे मैं पीछे रुका तो मैं यहाँ क्या करूंगा जो पैर आगे इसको ही रखूंगा पीछे वाले यानी जैसे पीछे ही हुआ ना अगर मान लो आगे ही हुआ पीछे वाला पैर नहीं रखूंगा आगे वाले पैर से किक मारूंगा ऐसे यहाँ पे हूँ यहाँ से किक मारूंगा डायरेक्ट फिर इधर से तो सीधे पेट लगेगा फेस लगेगा ये अगर आपको किक आती है तो और एकदम आसान किक हो कुछ नहीं करना नीचे से किक की प्रैक्टिस करो आप ऐसे ठीक है धीरे धीरे ठीक है अब क्या होगा यहाँ मारने की आदत बन जाएगी यहाँ मार सकते हो ना किसी को ऐसे मार सकते हो किसी को पैसे मार सकते हो ना ये आप कर सकते हो घर से ऐसे किक आप प्रैक्टिस आराम से ठीक है और कुछ जब तक वो तैयार हो तब तक आपको अगर आप ये अपनाते हो तो हमको लगता है कि 100% आप अपना सॉल्यूशन कर सकते हो अटैक जो करना है कर देना लेकिन अटैक करके रुकना नहीं है अटैक किए पूरे फोर्स से जब तक वो तैयार हो अपने आप को प्रिपेयर करे आप फिर आपको मारने के लिए लड़ने के लिए तब तक आप 9-11 ठीक है और कुछ इंतजार मत करिए वो सामने अटैक करेगा अगर उसको आपने गिरा दिया या लड़खड़ा दिया उसको आपने वहां तुरंत भागिए